हेलो फ्रेंड्स, बबीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूजी की लड्डू बना के दिखाऊंगी। चलिए देखिए, दिखाते हैं आपको। ये मैं इसे 2 कप सूजी ले हूँ मेजरमेंट के साथ। आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए। मैं इससे 2 कप ली हूँ और कुछ ड्राई फ्रूट है। यह है मखाना, है बादाम, काजू और नारियल का बुरादा। चलिए बनाते हैं। गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गैस गर्म हो रहा है। अब मैं इसमें सूजी भूनूंगी बिना घी के, बिना तेल के। ऐसे ही हमको भूनना है। आपकी सूजी जले ना, एकदम आराम से स्लो फ्लेम पे हम भूनेंगे इसको। इसको हम जल्दी जल्दी चलाते हुए भूनेंगे ताकि जले ना अच्छे से। ये सूजी भून के तैयार हो गई है। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसको मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब मैं ड्राई फ्रूट को इसी में भून लूँगी हल्का सा हल्का सा। हम इसको रोस्ट कर लेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऐसे आप देख सकते हैं तोड़ के कि टूट रहा है कि नहीं। हल्के से ब्राउन हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। इसको मैं प्लेट में निकाल ली हूँ। अब थोड़ा ठंडा होने दूँगी। अब मैं जिससे सूजी ली थी उसी कप से मैं 4 कप दूध कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। 4 कप मैं दूध ऐड कर दी हूँ। अब इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी दूध को। वैसे दूध पका हुआ ही है लेकिन इसको अच्छे से मैं ऐड करूंगी। और इसमें मैं 2 कप चीनी, जिससे सूजी हम लिए हैं उसी से 2 कप सूजी चीनी मैं इसी दूध में ऐड कर दूंगी। आप इसके भी डाल सकते हैं ऊपर से। मैं इसी में मैं ऐड कर दूंगी, मिला के बनाऊंगी। इस तरीके से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट होगा। इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी दूध को और चीनी को एकदम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमें पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें मिक्स कर देंगे तो। दूध हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा कलर डाल देंगे तो थोड़ा कलरफुल लड्डू बनेगा। हल्का सा कलर डाल दिए हैं लड्डू वाला। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट, इसको हम रोस्ट कर लिए हैं। अब हम इसको ड्राई फ्रूट डाल देंगे इसमें। और हम सूजी ऐड कर देंगे। और हम इसमें 1 कटोरी नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से पकाएंगे।
ताकि इसमें लम्स ना रहे और अच्छे से मिक्स हो। धीमी फ्लेम पे हम इसको अच्छे से पकाएंगे। इसमें मैं एक चम्मच घी 1 से 1.5 चम्मच तक ऐड कर दूँ। ये मेरा बन के रेडी हो गया है। मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक के रखूँगी, सेट हो जाएगा तो लड्डू बनाऊँगी मैं। ये ठंडा हो गया है, लड्डू बनाने के लिए ठंडा हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा लेके लड्डू के साइज में हम इसको थोड़ा सा घी लगाते हुए हाथ में हम इसको बनाएंगे लड्डू। और मैं ये मिठाई का बॉक्स ली हूँ, देख सकते हैं, मैं इसमें में रखूँगी। आप इसको फ्रिज में डब्बे में पैक करके आप रख सकते हैं। ये लड्डू देखिए, ऐसे सारा बना के आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं लड्डू बनके रेडी हो गया है। आप भी ट्राई कीजिएगा, ऐसे बना के खाइएगा और अपने मेहमान को भी खिलाइएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो नए देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कीजिए।